नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का आगाज हम करने वाले हैं एक हैरान कर देने वाली खबर से। जी हां, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक सरकारी स्कूल में हंगामा हो गया है और हंगामे के पीछे की वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यमुनानगर से एक खबर है जहां पर तिलक लगाने की बात पर सरकारी स्कूल में हंगामा देखा गया। सरकारी स्कूल में छात्र की पिटाई के आरोप लग गए हैं, अध्यापकों पर बदतमीजी करने के आरोप लगे हैं। यमुनानगर के एक सरकारी स्कूल का ये मामला बताया जाता है और स्कूल में पहुंचे हैं पुलिस कर्मचारी। अब हंगामे के पीछे की असल वजह क्या रखी है, आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये सब जांच का विषय है और जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप इस सरकारी स्कूल में हुई इस घटना को लेकर लग रहे हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में हुआ है हंगामा और बताया जाता है कि स्कूल में एक छात्र को बुरी तरह से पीटा गया है, अध्यापक ने बदतमीजी की है। तिलक लगाने की बात पर बताया जाता है कि यह हंगामा हुआ है, छात्र की पिटाई के आरोप लगे हैं अध्यापकों पर, बदतमीजी के आरोप लगे हैं अध्यापकों पर। और यमुनानगर के एक सरकारी स्कूल का यह मामला बताया जाता है। स्कूल में पुलिस के कर्मचारी पहुंच गए हैं, इस मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। देखना यह होगा मामले में असल सच क्या है, क्या आरोप सही साबित होते हैं। तमाम तरह के कयास इस खबर को लेकर हालांकि लगने शुरू हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि कितनी सच्चाई इस मामले में निकलकर सामने आती है। अगर आरोप सच है तब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रवेश खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवेश, हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है, आप ये बताइए कि आखिर ये पूरा हंगामा हुआ कैसे, किस तरह के आरोप लग रखे हैं और कौन से अध्यापकों पर यह आरोप लग रखे हैं, क्या पीटी टीचर ने बच्चे को डांटा है? आरती, मैं आपको बिल्कुल तफसील से इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि कल का यह मैटर है कि दीपक नाम का लड़का है जो 10 क्लास में पढ़ता है, उस पर आरोप लगाया है कि टीचर ने मेरे साथ मारपीट की है। जो वजह सामने आई है वो बड़ी ही हैरत में डालने वाली, बालों पर और तिलक लगाकर आता था। हालांकि टीचर का ये भी आरोप है कि इससे पहले भी उसने कई बार इस तरह की जो हरकत की है, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया के सामने आया, पुलिस के सामने आया, उसके बाद हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और स्कूल में गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो यही है, अब जो है टीचर ने माफी मांग ली है। उसने अपनी जो कबूलनामा था कि मेरे से गलती हुई है, हाँ मैंने जो छात्र है उसकी पिटाई की है, मैंने उसको थप्पड़ मारा है, उसकी वजह यही निकल कर सामने आई है कि हाँ वो जो शिक्षक थी वो बड्डी चोटी रखता था, वो उसकी वजह से उसने थप्पड़ मारा था। हालांकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो अभी भर के हुए हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल अपनी तरफ से जो कार्रवाई करना चाहता है वो करेगा, उसके बाद हम पुलिस को लेकर आगे लेकर जाएंगे। हालांकि स्कूल की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि हम जो है अपनी तरफ से जो गलती हुई है उसकी तरफ से माफी मांगना चाहते हैं। तो बिल्कुल स्कूल में ये हंगामा देखा गया है, हिंदू संगठन भड़क गए हैं क्योंकि आरोप ये लगे हैं कि छात्र को इसलिए डांटा गया, इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि इस छात्र ने तिलक लगाया था, चोटी रखी थी। हिंदू संगठनों में अब रोष देखने को मिल रहा है। इधर कहा यह भी जा रहा है कि अध्यापक ने माफी मांग ली है इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरह की ये घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है। यमुनानगर के सरकारी स्कूल का यह मामला बताया जाता है अध्यापक ने माफी भी मांग ली है, लेकिन आखिर इतनी नौबत क्यों आई कि एक बच्चे को मारा पीटा गया है सिर्फ इसलिए कि उसने तिलक लगाया था, सिर्फ इसलिए कि उसने शिखा रखी थी यानी कि चोटी रखी थी। अब देखना यह होगा हिंदू संगठनों के विरोध के बाद, अध्यापक की माफी मांगने के बाद क्या इस मामले में अब भी कार्रवाई होती है, क्या इस मामले में अब भी जांच होती है, क्योंकि किसी भी छात्र को स्कूल में पीटा जाना कितना सही है, ये सवाल कई तरह के हैं जो उठाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित भी होते हैं। बहुत सनातन